हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आयो बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, सभी अपने अपने दुनिया में खुश और व्यस्त होंगे। जल्दी हेलो करो। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोल दो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते, हाय, हेलो दोस्त, बोलो। हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? कैसे हैं? अच्छे। तुमसे नहीं पूछ रहे हैं, दोस्त से पूछो कैसे हैं। अच्छे। अरे अच्छे हैं, दोस्त से पूछो ना। लो खाना खा लिए आप लोग? करना। क्या क्या खाए? क्या बोलो, क्या करना? क्या? करना। बोलो। लो पापा तो अभी घर पे नहीं है। पापा नहीं है? पापा घूमू घूमू गए हैं। गुमू गुमू। मम्मा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दी है। तो मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग को एंजॉय करिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। फ्लैन की सीधे तो आ दिया। फ्लैन की सीधे तो बेटा, प्लान किससे? तो आराध्या के साथ हो गई है ढेर सारी बातें। मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में अभी हम बना रहे हैं सब्जी। तो सब्जी आज ना मैं पनीर की सब्जी बना रही हूँ शिमला मिर्च डाल करके। तो पहले ना हम पनीर को ना पीस में कटिंग कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो शिमला मिर्च है ना हम उसे भी कट कर लेंगे। और आराध्या बहुत दिन के बाद आप लोगों से बात की है, तो पता है उसका जब मन रहता है ना तो फिर बहुत अच्छे से बात करती है, और मन नहीं रहता है ना तो मजाल है, आप कुछ भी उससे बोल लो वो बिल्कुल भी नहीं बोलने वाली है। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं। और यहाँ पे ना पनीर वगैरह मैं काट ली थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं मसाला पीस रही हूँ। तो मसाला मैं इस तरह क्यों पीस रही हूँ ये भी बताऊँगी। पहले मैं ये बता देती हूँ कि मैं मसाला में क्या क्या ली हूँ। तो मैंने मसाला में जीरा, लहसुन, मिर्ची, धनिया, और फिर उसके बाद ना वो जो खड़ा वाला गरम मसाला होता है, दालचीनी वगैरह, वो सारा मैं इलायची यही सब ली हूँ। तो इसे पहले मैं अच्छे से पीसती हूँ। पता है मेरी ना मिक्सी ही ख़राब हो गई है यार, मतलब अचानक से जैसे ही मैं लगाई तो अचानक से वो ख़राब हो गया और बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया। और पता है मुझे ना सबसे हार्ड मसाला ही पीसना लगता है, और वो भी सिलबट्टे में। और इस सिलबट्टे बहुत दिन से ये रखा हुआ था, बहुत मुश्किल हो रहा था हमको पीसने में, मैं क्या बताऊँ बहुत ज़्यादा। और पता है पूरा दिन मेरा हाथ पूरा जल रहा था मिर्ची के वजह से, क्योंकि आदत नहीं है ना सिलबट्टे पे ये मसाला वगैरह पीसने की। मायके में भी मम्मी मेरी पीसा करती थी मसाला, और मम्मी से मैं कहती थी कि मतलब सब काम हम करेंगे लेकिन मसाला हम सिलबट्टे पे नहीं पीसेंगे। तो बहुत ज़्यादा वो मतलब हाथ लहरने लगे। और कौन कौन इस तरह से पीसे हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा सिलबट्टे पर। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे हम सब्जी मसाला तो मेरा तैयार हो गया। आपको पता है कि मैं पीस के ही मसाला डालती हूँ सब्जी में। तो फिर उसके बाद ना तेल कड़क गया था ना, इसमें हम कुछ खड़ा गर्म मसाला लिए थे। इसमें इलायची था, लौंग था, मरीच, गोल मरीच, जो तेजपत्ता था, यही सब थोड़ा खड़ा मसाला लिए थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे प्याज डाल दिए हैं। प्याज हल्का सुनहरे रंग का हुआ था जो मसाला अभी हम आपके सामने पीसे, तो वही मसाला हम इसमें ऐड कर दिए हैं। हल्दी नमक भी डाल देंगे और मसाले को बहुत अच्छे से पकने देंगे। और साथ ही यहाँ पे हम टमाटर भी डाल देते हैं। टमाटर भी अच्छे से इसके मसाला के साथ अच्छे से ये गल जाएगा। और मतलब करीब 10-15 मिनट मसालों को हम फ्राई किए, देख सकते हैं मसाला से तेल छोड़ने लगा था। फिर हम जो शिमला मिर्च फ्राई करके रखे थे और पनीर भी फ्राई कर लिए थे हम पहले ही, तो शिमला मिर्च और पनीर दोनों ही डाल देते हैं। और थोड़ा सा इसको भी 3-4 मिनट तक हम मसाला के साथ भूनेंगे, ताकि हमारा जो है ना पनीर में अच्छे से मसाला वगैरह चला जाए। और फिर उसके बाद यहाँ पे भूनने के बाद 3-4 मिनट के बाद मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, और इस मतलब अपने ग्रेवी के हिसाब से मैं रस ले रही हूँ इसमें, और बहुत अच्छे से इसमें उबाल आने दूंगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा हरा धनिया काट कर ले ली हूँ और सब्जी के ऊपर से मैं डाल दी हूँ। और थोड़ी देर बाद देखिए ये सब्जी हो गई थी तब मैं दिखा रही हूँ, तो पूरा इसको पहले उबलने दिए थे। सब्जी तो हो गई है मेरा रेडी, तो अभी चलते हैं रोटी बनाते हैं। तो पता है आज मैं मतलब रोटी ही सबके लिए बनाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर मम्मी को मना किए चावल खाने के लिए, इसलिए मैं रोटी ही बनाऊंगी। अभी बनाती हूँ, फिर दोपहर में भी सब रोटी ही खाएंगे। तो हस्बैंड जी भी बोल रहे थे कि मेरे लिए भी रोटी बना दो, लेकिन मैं
एक टाइम जब तक चावल ना खाओ ना, तो पता ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में जान ही नहीं है, मुझे चावल ही चाहिए। तो मैं सिर्फ अपने लिए बाद में चावल बनाऊंगी। और पता है, फर्स्ट टाइम मम्मी बहुत ही तारीफ कर रही थी, सब्जी बोल रही थी बहुत ही टेस्टी बना है सब्जी। तो मैं हर हमेशा टेस्टी ही बनाती हूँ, लेकिन फर्स्ट बार मुझे तारीफ मिला है, वो भी सासू माँ से। और दो सब्सक्राइबर का है हैप्पी बर्थडे, एक का नाम है प्रेरणा और एक का नाम है प्रभा, दोनों का नाम पी से ही है। तो हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू डियर, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ डे, आपकी ज़िंदगी में हर साल ये दिन आए। और यहाँ पर मेरा सुबह का नाश्ता भी रेडी है, तो आ जाइए आप लोग भी जल्दी जल्दी से खाने के लिए। खा तो नहीं सकते हैं, लेकिन मैं बता दूंगी टेस्ट इसका बहुत अच्छा आया था, पनीर का जो सब्जी है ना, टेस्ट बहुत ही मस्त आया था। और यहाँ पे थोड़ा लेट भी हो गया है आज हमको, इसलिए हम जल्दी से नाश्ता भी साथ में ही निकाल देंगे। और जो भी न्यू फ्रेंड मेरे से जुड़ते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले मेरे प्यारे फैमिली तक पहुंचे। और वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्त फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा। और यहाँ पे मेरा सुबह का नाश्ता तो रेडी था, सब कोई घर में खा लिए थे। आधा घंटा के बाद मैं फिर से आई हूँ किचन में, तो मैं ना पानी मतलब गर्म होने के लिए रख दी थी, जो चावल मैं जिसमें बनाऊंगी तो पानी ना बिल्कुल भी खौल गया था, इसी में मैं चावल डाल दी हूँ। तो मैं ना थोड़ा सा ही चावल बनाऊंगी, सिर्फ मैं अपने लिए बनाऊंगी। तो फिर बाद में हस्बैंड जी से पूछे तो बोले हाँ ठीक है, थोड़ा सा मेरे लिए बना देना। तो मैं थोड़ा सा बढ़ा करके बना दी, थोड़ा बहुत ये भी खा लेंगे, मम्मी तो नहीं खाने वाली। और पता है मेरा मतलब खाना में चावल तो जान है, अगर चावल ना मिले एक दिन ना, तो मेरा मैं क्या बताऊँ, ऐसा लगता है कि मैं पूरा दिन कुछ खाई ही नहीं हूँ। तो एक टाइम चावल मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मुझे चावल बहुत पसंद है, तो मैं चावल ज़रूर अपने खाने में शामिल करती हूँ दोपहर के टाइम। खाना पीना खाने के बाद यहाँ पे वापस से लग गई हूँ सफाई में, बर्तन वगैरह तो हम धो लिए थे, खाना खाते ही सारा बर्तन हम धो लिए थे। अभी ना हम गैस का सफाई कर रहे हैं और लाइट कट गई है, इसलिए थोड़ा धुंधला धुंधला सा आ रहा है। और आज ज़्यादा कुछ ब्लॉग में नहीं था, ब्लॉग में डेली एक चीज़ ही करना और बाहर भी जाना संभव नहीं होता है हम हाउस वाइफ के लिए। डियर डेली घर में रहना, घर को संवारना, यही हम लोगों का जिम्मेवारी बन जाता है। तो जो घर में मैं जैसे रहती हूँ वही सब आप लोगों से शेयर करती हूँ, और इससे आगे मैं क्या शेयर करूँ, कुछ कभी अच्छा होता है तो मैं शेयर करती हूँ, मतलब जो भी मेरी पर्सनल लाइफ की जो बातें हैं, रियल मतलब मेरी रियल लाइफ जो भी है, तो मैं आप लोगों से वो शेयर करती हूँ। और फिर ना इस रूम का मैं बेडशीट चेंज करूंगी, क्योंकि थोड़ा मतलब तीन दिन भी नहीं हुए इस बेडशीट को, इतना गंदा हो गया, इसलिए हम दोबारा दूसरा बेडशीट हम सेट कर लेते हैं। और वो बेडशीट हम कल सुबह धोएंगे, आज तो नहीं धो पाएंगे, तो वो सुबह में धोएंगे। और मम्मी वाला जो रूम का है ना, ये बेडशीट हम धो दिए थे सुबह में ही, तो अभी इस रूम में पहले हम बेडशीट सेट कर लेते हैं। तो मम्मी के रूम में है ना, जो पलंग पे ना गद्दा नहीं है ना, इसी वजह से थोड़ा बेडशीट उभर के नहीं आता है। तो बहुत जल्दी कोशिश करेंगे इस रूम में भी पलंग पर एक गद्दा जो होता है ना फोम वाला, वो हम लगवाएं, तो जल्दी ही लगवाएंगे। और इस रूम का भी हम बेडशीट सेट कर दिए थे। उसके बाद ना यहाँ पे मेरा हाथ में पूरा, मेरा हाथ का चूड़ी है ना बढ़ गया था बहुत, मतलब मेरा हाथ में चूड़ी टिकता ही नहीं है, मतलब कितना भी पहनूँ तो वो चूड़ी निकल ही जाता है मतलब। तो फिर मैं सोची क्यों ना अभी चूड़ी पहन लेते, थोड़ा बहुत ही पहने, चार पांच करके हाथ में पहने। और ना नाखून भी मतलब सफ़ेद सफ़ेद सी हो गई थी, तो मम्मी बोल रही थी कि मतलब लगा लेना चाहिए, ऐसे खाली नहीं रखना चाहिए हाथ वगैरह। तो फिर जाके मैं सोची चलो अभी टाइम है तो मैं लगा लेती हूँ। और जब मैं लगाने के लिए बैठूँ ना, तो मेरी बेटी आराध्या ये ना आए, हो ही नहीं सकता, ये भी पूरा परेशान कर दिया। और देखिए जब हम इसको लगा दिए ना, तो कैसे अपना हाथ वाला फूक फूक के सुखा रही है, टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ है इसमें, मैं क्या बताऊँ, जो देखती है सो करती है, देख लीजिए कैसे बदमाशी की जा रही है। फिर मैं पैर में लगाई ना, तो फिर ये पैर में भी बोल रही थी लगाने के लिए, और देखिएगा लास्ट में पैर में भी लगवाई है, देख लीजिए। तो ये पैर में भी लगवाई, मतलब जो जो हम करेंगे वो करेगी, हम लिपस्टिक लगाएंगे तो इसको लिपस्टिक चाहिए, हर चीज़ मतलब देखिए। और पैर का भी ये मतलब सुखा रही है, और मैं नहीं सुखाई लेकिन इसको सुखाना है। जब लग गया ना तो बड़ा खुश हो रही थी, लग गया कर रही थी, और ये डांस कर रही थी। और देख सकते हैं अभी ये बाथरूम से इसको लेके आए थे, पूरा कपड़ा भिंगा के रखी है। बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सब लोग के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, और आप सभी अपने अपने दुनिया में बहुत ही खुश और मस्त रहिए। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ना मेरा ब्लॉग एंड कर देती हूँ, और बहुत ज़्यादा अभी टाइम हो चुका है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ चलो ब्लॉग को एंड करती हूँ। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सब लोग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मस्त रहिए, बिंदास रहिए,
टेक केयर माई ऑल यूट्यूब फैमिली। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सब लोग के साथ। टाटा।